दोस्तों, आजकल प्यार होना फिर शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह ही हो रहे अलगाव को रोकने के लिए भी कोई प्रयास किया ही नहीं जाता। आज की ये कहानी ऐसे ही हो रहे अलगाव की है, जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तब हम जान पाते हैं कि पत्नी का नजरिया जो है वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखें भिगोने में सफल होता है। मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके स्थिर शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूं, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूं। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूं जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों, चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ, दुनिया में हर चीज का कोई कारण नहीं होता है, मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। और अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना शुरू हो गया है। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए, और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गईं। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था, और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर ये बातें बयां करता था।